प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जो यूनियन है उसके साथ मुलाकात करेंगे। यूनियन के जो नेता हैं उनको मैसेज DOPT की तरफ से गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उनसे अपने निवास लोक कल्याण मार्ग पर मुलाकात करेंगे। 10 साल में ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री इस तरह से कर्मचारी संगठन के नेताओं से मिलने वाले हैं। कहा यह जा रहा है, राजनीतिक मीनिंग ये निकाला जा रहा है कि 10 साल के टर्म के बाद तीसरी बार जब ताकत थोड़ी कम हुई है तो सरकार के तेवर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। मुख्य तौर पे जो कर्मचारियों की चिंता है उनके नौकरी पेशा से जुड़ी हुई बात जो बातें हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन दो सबसे खास बात है जो कर्मचारी संगठन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएंगे। पहला 8वें वेतन आयोग के गठन का मामला है। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए काफ़ी समय बीत गए और ऐसे में 8वें वेतन आयोग लागू के गठन की मांग लगातार कर्मचारी संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बड़ा मुद्दा है जो कई बार आंदोलन का रूप भी लेता है। हालांकि बजट के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से NPS में कुछ सुधार की बात जरूर कही गई, लेकिन वित्त मंत्री ने सीधे तौर पे ये ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कुछ भी नहीं कहा। लिहाजा देश भर के कर्मचारियों की, खास करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों की नज़र प्रधानमंत्री के साथ उनकी होने वाली, उनके नेताओं की होने वाली बैठक पे टिकी हुई है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, News 24 दिल्ली। संविधान और आरक्षण के सवाल पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी लगातार सक्रिय है। कल राहुल गांधी प्रयागराज संविधान सम्मान दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस मोदी सरकार पर संविधान की अनदेखी का आरोप लगाते हुए संविधान को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर दिख रही है। इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने संविधान को लेकर समाज में जागरूकता और चेतना जगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत पिछले कुछ महीने में उसने 3 लाख से ज्यादा संविधान रक्षक बनाए हैं और ये सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। इसी सिलसिले में आगामी 24 अगस्त को UP के प्रयागराज में कांग्रेस ने संविधान सम्मान दिवस के आयोजन की रूपरेखा तैयार की है, जहां नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुख्य रूप से इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसे लेकर राहुल गांधी ने देश भर के संविधान रक्षकों को प्रयागराज पहुंचने की अपील भी की है। कांग्रेस लगातार दलितों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है और कल होने वाला सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, News 24। जम्मू कश्मीर में अगले महीने 18 सितंबर को हो रहे पहले चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नेताओं ने नामांकन करना आज से शुरू कर दिया है और आज दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग से PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता सकीना यत्तू ने कुलगाम इलाके से अपने कागजात दाखिल किए। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला सकीना यत्तू के साथ थे और पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने इस मौके पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जो अलायंस हुआ है उसमें अधिकतर 90 विधानसभा सीटों पर सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी मौजूद है जिन पर आपसी सहमति दोनों पार्टियों में बननी बाकी है और उसको लेकर आज भी एक बातचीत, आज भी एक बैठक दोनों पार्टियों के बीच में होगी और जो सीटें बची हुई है उस पर जल्द ही सीट शेयर का जो मसला है वो हल हो जाएगा। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष नगर, News 24। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स का और आम लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब सरकार की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। उसी कड़ी में जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विंग में अब पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। SSB के जवानों को इमरजेंसी विंग में लगाया गया है ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि जम्मू का यह सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में जम्मू संभाग के 10 जिलों से जो मरीज हैं वो यहां पर पहुंचते हैं और ये सुरक्षाकर्मी जो हैं अब दिन रात अपनी सेवाएं यानी ड्यूटी देंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी जो अलग अलग जवानों में बांटी गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब पहली बार SSB के जवानों की तैनाती की गई है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, News 24, जम्मू। केंद्र सरकार ने दिग्गज नेता शरद पवार को Z+ की सुरक्षा मुहैया कराई है। इसको लेकर महाराष्ट्र में अब सियासत तेज हो गई है। खुद शरद पवार ने अपनी Z+ की सिक्योरिटी पर
प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनका उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी हासिल करने का तरीका हो सकता है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इसको लेकर फडणवीस पर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को मुंबई और महाराष्ट्र की पुलिस पर भरोसा नहीं है। राज्य की पुलिस विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा नहीं कर सकती है, इसके लिए सेंट्रल से फोर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि शरद पवार जैसे दिग्गज नेता जो है सुरक्षा पर राजनीति कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। उन्हें केंद्र सरकार का आभार प्रकट करने की बजाय वो खुले में आकर बयान दे रहे हैं, उस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर उन्हें सुरक्षा नहीं चाहिए तो वो लिखित रूप से दे दें। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, News24 मुंबई। उत्तर प्रदेश में आज से पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परीक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में कुल 60,244 पदों के लिए हो रही है। कुल 1154 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। करीब 60 लाख से ज्यादा बच्चे 10 पालियों में परीक्षा देंगे। खास तौर पर यूपी पुलिस पेपर लीक में शामिल लोगों पर विशेष नजर रख रही है। कुल 48 लाख अभ्यर्थियों का आधार सत्यापन भी किया गया है। परीक्षा केंद्रों के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा भी देखने को मिल रहा है। परीक्षा 23 अगस्त के साथ साथ 24, 25, 30 और 31 अगस्त को भी आयोजित की जाएगी। वहीं यूपी पुलिस ये भी दावा कर रही है कि परीक्षा को लेकर जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं या फैलाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, News24। विधानसभा चुनाव से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सत्ताधारियों की 17 चीनी मिलों के लिए 2,265 करोड़ का जो लोन मंजूर है उसके वितरण पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई वितरण नहीं किया जाए। मामला ऐसा है कि जब पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें तय किया गया था कि जो बीमार सुगर मिले हैं उनको उभारने के लिए सरकार अपनी गारंटी पर लोन दिलवाएगी। उसमें दो विपक्षी पार्टियों के नेताओं की भी सुगर मिल थी, जिसमें एक कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे की सुगर मिल थी, इसके अलावा एक और नेता की सुगर मिल थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में जब महायुति की हार हुई, इसके बाद कैबिनेट की एक फिर बैठक हुई और उस बैठक में तय किया गया है कि इन दो सुगर मिलों को लोन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ये दोनों सुगर मिलें कोर्ट का दरवाजा खटखटाई और उन्हीं की याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस बीच 550 करोड़ रुपए का लोन वितरण तीन सुगर मिलों को पहले ही हो चुका है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, News24 मुंबई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड की एटीएस टीम ने एक बड़े आतंकियों के नेटवर्क का खुलासा किया है। झारखंड के अलग अलग इलाकों में करीब 16 जगहों पर छापेमारी कर 9 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो इस आतंकी संगठन के लिए काम कर रहे थे। अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस आतंकी संगठन का मास्टरमाइंड रांची के एक बड़े हॉस्पिटल का रेडियोलॉजिस्ट के पद पर कार्य डॉक्टर इम्तियाज अहमद था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इम्तियाज उर्फ इश्तियाक ने इस गिरोह को, इस पूरे गैंग को बनाया था और इसके पीछे उसका मकसद था इंडिया को इस्लामिक कंट्री बनाना और अपने इस जिहादी मुहिम को अंजाम देने के लिए वो लगातार जिहादी मानसिकता वाले युवकों को इस संगठन से जोड़ रहा था। इस संगठन का मास्टरमाइंड होने के नाते डॉक्टर इश्तियाक लगातार इन लोगों के संपर्क में था, उनका ब्रेन वॉश करने का काम करता था। उसके पास जब छापेमारी की गई तो लैपटॉप और कई ऐसे डिजिटल डिवाइस मिले हैं जिससे पता चलता है कि हाल के दिनों में एक बड़ी साजिश की प्लानिंग कर रहा था और जल्द ही इसे अंजाम देने वाला था। उसने कई जिहादी मानसिकता वाले युवाओं को, कट्टरपंथी युवाओं को अपने संगठन से जोड़ रखे था और लगातार इन्हें वो ट्रेनिंग देने का काम भी कर रहा था। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, News24। सारी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव पर टिकी हुई है, जहां प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले ही महीने रूस की राजधानी मॉस्को की यात्रा पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी और इन दोनों यात्राओं की वजह से दुनिया के कई कूटनीतिज्ञों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 25 साल से रूस यूक्रेन युद्ध का आखिरकार कोई हल निकालने में सफल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पहुंचकर सबसे पहले भारतवंशियों से मुलाकात की है, जिसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जेलेंस्की से हो रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं कि उनके द्वारा गढ़ा गया
10 पॉइंट पीस फॉर्मूले पर बातचीत हो, जिसकी पहली शर्त ये है कि रूस यूक्रेन के उन इलाकों को तुरंत खाली करे जो उसके कब्जे में इस वक्त है। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री फिर से पोलैंड वापस आएंगे और वहां से वो स्वदेश वापसी करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ संजीव त्रिवेदी, News24 दिल्ली। आर्जिकल हॉस्पिटल में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। इनका कहना है कि इनका विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक प्रॉपर तरीके से सुरक्षा की इनकी गारंटी कोई नहीं लेता है और जो दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलता है, तब तक इनका प्रदर्शन चलता रहेगा। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इन डॉक्टरों को अपना यहाँ पे जो प्रदर्शन है, धरना है, उसे खत्म करने के लिए कहा है, इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इनका विरोध प्रदर्शन आज भी चलता रहेगा और आने वाले समय में इनकी प्लानिंग होगी उसके तहत ये अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वही जगह जगह पर बीजेपी पार्टी के तरफ से आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी थानों का पश्चिम बंगाल में घेराव किया जा रहा है क्योंकि न्याय चाहिए और वी वांट जस्टिस के तहत बीजेपी और तमाम जो यहां पे सभी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय राज का आज 14 दिन की जो पुलिस कस्टडी में सीबीआई ने उसके बाद कस्टडी में लिया था, उसकी मियाद खत्म हो चुकी है और सियालदा कोर्ट में सीबीआई ने उन्हें पेश किया है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, News24 कोलकाता। अगरतला में बाढ़ का कहर, लेकिन भारतीय सेना ने वहां संभाल लिया है मोर्चा। जी आपको बता दें कि त्रिपुरा में चल रही बाढ़ की स्थिति पर असम राइफल्स लोगों को सहायता देने के लिए अगरतला पहुंच गई है। इसे ऑपरेशन जल राहत कोड का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यालय 21 सेक्टर असम राइफल्स और आईजीआर रिस्टर्न की कमान के तहत काम कर रही है 18 असम राइफल्स की दो टुकड़ियां। त्रिपुरा के अमरपुर, भागपुर, विशालगढ़ और रायगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया है। टीमों ने बढ़ते बाढ़ के पानी के कारण फंसे 334 नागरिकों को सफलतापूर्वक बचा लिया है। त्रिपुरा में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 22 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ के चलते 65,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और ये लोग 450 राहत शिविरों में रह रहे हैं। अब तक 70 नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि इसे भी सेना ने एक बयान जारी करके कहा है कि बाढ़ राहत को लेकर के किसी भी तरह का अफवाह ना फैलाएं और अफवाह फैलाने वालों की जानकारी तुरंत स्थानीय पुलिस को दें। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, News24 दिल्ली। थोड़ी सी बारिश और एक बार फिर दिल्ली में लंबो लंबा जाम लग गया। आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो हैं दिल्ली की, जहां पर दिल्ली में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये तस्वीरें हैं मुंडका की, जहां पर हरियाणा की तरफ जो है वो सभी वाहन जो है वो एंट्री लेते हैं, लेकिन वहां पर आज दिल्ली की थोड़ी सी ही बारिश ने लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ा दी। ऐसा जाम लगा कि 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली हरियाणा राष्ट्रीय राजमार्ग रोहतक रोड पर 15 से ज्यादा किलोमीटर लंबा जाम लगा। खराब सड़क और व्यवस्था से परेशान लोगों ने कई बार इस और आवाज उठाने की कोशिश भी की है, कई बार धरना भी दिया है, यहां तक कि सड़कों पर भी लोग बैठ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में थोड़ी सी बारिश ने ही आज एक बार फिर से लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, हरियाणा, News24 नेपाल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने में हुए पथराव की घटना के बाद आरोपियों पर हुई बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस पूरे घटना का विरोध किया है, साथ में कहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, तो वहीं भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा है कि इस घटना या इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस देना जरूरी है, जो कि नहीं दिया गया। आपको बता दें कि इस पर बयानबाजी तेज हो चुकी है। सीएम ने कहा है कि इस तरह जो भी कानून का पालन नहीं करेगा, जो भी कानून को तोड़ेगा, इस तरह का काम करेगा, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भोपाल से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि ये कांग्रेस के संरक्षण वाले लोग हैं जिन्हें कांग्रेस ने संरक्षण दिया है, जो इस तरह का पथराव करते हैं थाने में उन पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ये पूरी घटना बुधवार की है। बुधवार को दरअसल छतरपुर में जो यहाँ पर बड़ी संख्या में करीब 150 से ज़्यादा संख्या में लोग थाने पहुँचे थे, पथराव की घटना हुई और उसी के बाद से यहाँ बवाल शुरू होगा और इसके बाद बीते दिन यहाँ पर जो आरोपी हैं उनके घरों पर बिल्डोजर की कार्रवाई भी की गई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, News24 मध्य प्रदेश। गुजरात के सूरत में हुआ बड़ा हादसा। मेट्रो के काम के दौरान घर की छत पर गिरी हाइड्रोलिक मशीन, बाल बाल बचे घर के लोग। गुजरात के सूरत में फिर एक बार मेट्रो की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सूरत के नाना वराछा इलाके में मेट्रो निर्माण का काम चल रहा था, तभी एकाएक विशालकाय ट्रेन बिल्डिंग पर गिर गई। नाना वराछा इलाके के तपोवन सर्कल के पास मेट्रो का काम चल रहा था, स्पान बनाने का काम चल रहा था, उस दौरान हाइड्रोलिक मशीन धराशायी हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब हाइड्रोलिक मशीन को क्रेन से उठाकर
पिलर पर रखा जा रहा था, उस दौरान क्रेन स्लिप होने से हाइड्रोलिक मशीन पास की इमारत पर गिर पड़ी। क्रेन गिरने से इमारत को काफी नुकसान हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि क्रेन रिहायशी बिल्डिंग के जिस हिस्से में गिरी वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई। घटना के बाद फायर विभाग के अधिकारी और पुलिस का काफिला घटनास्थल पर पहुंच गया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इससे पहले सूरत में ही मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक के काम के दौरान एक गार्डर क्षतिग्रस्त हो गया था, तब दरारें आने के बाद मेट्रो को उसे बदलना पड़ा था। पिछले 24 दिनों में सूरत मेट्रो के काम के दौरान हुआ ये दूसरा बड़ा हादसा है। राज्य भर के पुलों में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रही सरकार के लिए मेट्रो के काम में भी इस तरह हो रही लापरवाही एक बड़ी मुसीबत बन सकती है। कैमरा प्रभात साहब, भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद। महाभारत की भूमि हरियाणा में राजनीतिक युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। 5 सितंबर को जब नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी, उसी दिन ही राजनीतिक युद्ध की भी शुरुआत होगी। और यही कारण है कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सेनाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। पार्टी की रणनीति बनाई जा रही है, खासतौर पर उम्मीदवारों के नामों के ऊपर मंथन किया जा रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी लगातार ही अपनी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को लेके मंथन किया जा रहा है। वहीं पर 300 नामों का एक जो पैनल है वो राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया, जहां पर राष्ट्रीय चुनाव समिति इसके ऊपर फैसला करेगी कि किन लोगों को चुनाव लड़वाया जाना है या नहीं लड़वाया जाना है। वहीं पर जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ विधायकों का, जो मौजूदा विधायक हैं, जहां फिर कैबिनेट मंत्रियों का टिकट भी कट सकता है। इसी तरह कांग्रेस द्वारा भी लगातार मंथन किया जा रहा है। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, जिसमें सारे अधिकार कांग्रेस हाईकमान को दे दिए गए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रेज, न्यूज 24, चंडीगढ़। अगर आप बिहार से बाहर रहते हैं और घर बैठे अपने पूर्वजों का पिंडदान करना चाहते हैं, तो बिहार सरकार ने अब आपके लिए एक नया पैकेज लॉन्च किया है, जिसका नाम रखा है सरकार ने ई पिंडदान पैकेज। इसके लिए मात्र आपको 23,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने ऑनलाइन काउंटर खोल दिया है। जो समय के अभाव में या अस्वस्थ रहने के कारण गया आने में असमर्थ हैं, वो ई पिंडदान का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए मात्र आपको 23,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की माने तो इस शुल्क में विष्णुपद, फल्गु नदी और अक्षयवट सहित 3 वैदिक स्थलों पर पिंडदान कराकर उसका ऑडियो और वीडियो बनाकर बुकिंग करने वाले तीर्थ यात्रियों को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार के इस पैकेज का गया के जो पंडा जी हैं वो विरोध कर रहे हैं। पंडा जी का कहना है कि पूर्वजों का मोक्ष तभी मिलेगा जब उनके जो घर वाले होंगे वो गया के पिंडदान करेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह सरद आज कोर्ट में पेश हुए हैं। दरअसल में इस पूरे मुकदमे में अब गवाही तय की गई थी, जिसके लिए आज पीड़ित और आरोपी दोनों आमने सामने होकर के जज की निगरानी में चीफ को रिकॉर्ड किया जाएगा। दरअसल में दोनों वकीलों की तरफ से दलील दी गई। जो विपक्ष के वकील हैं वो चाहते थे कि जो पीड़ित है वो आमने सामने हो, लेकिन वहीं पर जो बचाव पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला किसी की असमत से जुड़ा हुआ है, इसलिए आमने सामने गवाही नहीं हो सकती, लेकिन एक बीच का रास्ता अदालत की निगरानी में निकाला गया। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज 24, दिल्ली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स का और आम लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर है। अब सरकार की ओर से डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। उसी कड़ी में जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी विंग में अब पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। SSB के जवानों को इमरजेंसी विंग में लगाया गया है ताकि डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि जम्मू का ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और इस अस्पताल में जम्मू संभाग के 10 जिलों से जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और ये सुरक्षाकर्मी जो हैं अब दिन रात अपनी सेवाएं यानी ड्यूटी देंगे। 8-8 घंटे की ड्यूटी होगी जो अलग अलग जवानों में बांटी गई है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब पहली बार SSB के जवानों की तैनाती की गई है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24, जम्मू। आम आदमी पार्टी चाहती है कि आने वाले दिनों में अपनी पार्टी का विस्तार किया जाए। इससे जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में पार्टी
भागीदारी करती नजर आएगी। इमरान हुसैन ने साफ तौर पर जम्मू की जनता को कहा कि दिल्ली में जिस तरीके से हमने चीज़ों को बढ़ाया है, हमने फ्री बिजली फ्री पानी देने का वादा किया था, हमने दिल्ली में उसको पूरा किया। हम चाहते हैं अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो ऐसे में जो सुविधाएं हमने दिल्ली में दी वही तमाम सुविधाएं हम जम्मू कश्मीर की जनता को देते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी जानती है कि इस समय की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर में वो पार्टी पार्टिसिपेट करती नजर आती है तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए बढ़िया भी रहेगा और दूसरा राष्ट्रीय पार्टी के हिसाब से वो चुनावों के विस्तार में अपना भागीदारी देने की सोच को आगे बढ़ाती नजर भी आएगी। वरुण सिन्हा, News 24। बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाओ और सरकार में बड़ा पद पाओ, यह ऑफर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिया है। बीजेपी 1 सितंबर से बीजेपी का एक सदस्यता अभियान शुरू होने वाला, जिसमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह के अभियान बीजेपी पहले भी चला चुकी है, लेकिन इस बार एक अनोखा ऑफर यानी एक बड़ा ऑफर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। बीते दिन एक बीजेपी की बैठक हुई सदस्यता अभियान को लेकर, और इस बैठक में सांसद विधायक और तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। और बैठक में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि बीजेपी में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने चाहिए और कार्यकर्ताओं को यही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनेंगे तो बीजेपी के लिए आगे का लक्ष्य जो होगा वो निर्धारित होगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी कहा कि आने वाले वक्त में तमाम समितियां बननी है, जन भागीदारी समिति, एल्डरमैन समिति के अलावा अलग अलग तरह की समिति बनेंगी, और ऐसी समितियों में जो ज्यादा सदस्य बनाएगा उसको इन समितियों से जोड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश राज के साथ विपिन श्रीवास्तव, News 24 भोपाल। दिसंबर 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी के बीच में सीटों का बंटवारा चल रहा है और इस बंटवारे के बीच माता पच्ची भी चल रही है। ऐसे में इन तीन पार्टियों को अब चौथा नया भिड़ू यहाँ पर मिल सकता है और वो नया दोस्त हो सकता है MIM। MIM के महाराष्ट्र के नेता इम्तियाज जलील ने यहाँ पर शरद पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, तीनों को मिलकर एक प्रस्ताव दिया है और कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो MIM को साथ मिले। इम्तियाज जलील ने कहा कि उन्हें ज्यादा सीटें नहीं चाहिए, उनकी ताकत जहाँ जहाँ है ऐसी कम सीटें उन्हें चाहिए। इम्तियाज जलील ने ये भी कहा अगर उन्हें वो साथ नहीं लेते, अगर महाविकास आघाड़ी का उनके कारण नुकसान होता है तो उन्हें बाद में टीम बी कह के करार मत देना। आपको बता दें 2019 के विधानसभा चुनाव में MIM ने महाराष्ट्र में 2 सीटें जीती थी, उसमें से एक धुलिया शहर की सीट थी और दूसरी थी मालेगांव सेंट्रल। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद चकताले, News 24 मुंबई। जयपुर में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और चौंकाने वाली बात है कि इस हेड कांस्टेबल ने अपनी ही चौकी के अंदर फांसी लगाकर अपनी जान दी। मरने से पहले उसने 6 पेज का एक सुसाइड नोट भी लिखा है जिसमें अपने आला पुलिस अधिकारियों के साथ साथ कुछ लोगों के खिलाफ कई संगीन आरोप भी लगाए और कहा कि इन्हीं के चलते वह आत्महत्या के लिए मजबूर भी हो रहा है। फिलहाल तो इस पूरे मामले की राजस्थान पुलिस जांच में जुटी है क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। उसने अपने ही एडिशनल SP के साथ साथ कई बड़े आला पुलिस अधिकारियों पर भी आरोप लगाया। उसका कहना है कि उसे लगातार बेवजह सस्पेंड किया जा रहा था, पिछले 11 महीने से परेशान किया जा रहा था और इसी के चलते वह मानसिक रूप से इस कदर तनाव में आ गया था कि अपने परिवार वाले और आसपास के लोगों को भी जवाब नहीं दे पा रहा था कि आखिरकार उसे बेवजह क्यों बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, क्या वजह रही। फिलहाल तो इस पूरे मामले में जिन लोगों के नाम लिखे गए हैं सुसाइड नोट में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की आगे की तफ्तीश जारी है कि आखिरकार एक हेड कांस्टेबल ने अपने ही पुलिस चौकी में क्यों फांसी लगाकर जान दे दी। श्री वत्सन, जयपुर, News 24।